कैमरे में मिट्टी भाई वो साफ किया, कोई फूड चैलेंज नहीं करना है। 400 रुपए के अंदर ना भाई 50+ फूड आइटम, बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, रैप, शैप, टैको, वैको, जो मर्जी, मतलब घर से चीज सोच के आओ क्या खानी वो मिलेगी यहाँ पे, अनलिमिटेड सब कुछ इतने में भाई। अंदर आ गए सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक यू सर, आपने मुझे टाइम दिया। कोई बहुत बहुत मेहरबानी, आप हमारे यहाँ आए। तो सर अपने बारे में बताइए, क्या दे रहे हैं? मैंने सुना कोई ऐसा ऑफर है कि बहुत ज्यादा तहलका मचाया हुआ, कहीं मिलती नहीं वो चीज। कोई दे भी नहीं सकता ऐसा ऑफर है हमारा। क्या बात है, ऐसा ऑफर की कोई दे भी नहीं सकता? दे भी नहीं सकता। क्या चीज है सर वो? सर 400 रुपए में वेज आइटम में कोई भी आइटम कितना भी खाइए, करीब करीब मेन्यू में 40 से 50 आइटम है, आप कुछ भी कितना भी खा सकते हो। मतलब 40+ आइटम्स में कुछ भी मैं खाऊं, कितना मर्जी खाऊं, कितना ही मर्जी भी खाएं, 400 रुपए लगेंगे? 400 रुपए लगेंगे। क्या बात है भाई, ये एम्बियंस चेक करो आप। मतलब सर ऐसे कैफेज में तो मैंने सुना आम पिज्जा ही 400 रुपए का आता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ भी 400 रुपए का है सर। अच्छा, एक पिज्जा 400 का है? हाँ, पर अनलिमिटेड भी 400 का? अनलिमिटेड भी 400 का। सर यकीन नहीं हो रहा मेरे को, आप सच में दे रहे हो 400 में अनलिमिटेड? बिल्कुल दे रहा हूँ सर, वेज आइटम 400 में दे। तो एक बार सर किचन दिखाइए और क्या क्या मिलेगा वो दिखाइए। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, किचन दिखाता हूँ। किचन आप देखो, सामने किचन है, नीट एंड क्लीन, बहुत ही बढ़िया। सर क्या खिलाने वाले हो पहली आइटम? देखिए सर, अभी हमारा किचन देख लीजिए, हम अभी सबसे स्टार्टिंग आपको पिज्जा खिलाते हैं। पिज्जा से होने वाली शुरुआत, तो चलिए सर लेके फटाफट चलिए आ जाइए। वो फ्रेश डो का पिज्जा बनाते हैं हम, सारा का सारा पिज्जा हमारा फ्रेश। यानी भाई लाइक फ्रेश डो पिज्जा लग रहा है मैम, बढ़िया से इसको फ्लैट कर रहे हैं बेस को, और सामने लगी है ढेर सारी वेजेस। अगर मैं 3 पिज्जे खा जाऊं तो कोई इशू तो नहीं? शाबाश, कोई इशू नहीं है, आप 3 पिज्जे खा सकते हो तो बिल्कुल अच्छी बात है, हमारे लिए तो अच्छी बात है कि आप 3 पिज्जा खा गए। क्या बात है, मतलब जितने मर्जी में खा लूं मिलेगा अनलिमिटेड। और ये भाई जैसे बोलते हैं ना पंजाब में ट्रैक्टर, वैसे खेत में ट्रैक्टर चलता है, मैंने चला दिया पिज्जा के ऊपर ट्रैक्टर, और ये आ गया पैन के अंदर। ये वेजी ओवरलोडेड पिज्जा है। मैंने सर को बोला, सर जो दो आइटम लगवाओगे ना मेन्यू की, सबसे महंगी वाली लगवाना, क्योंकि भाई अगर 400 रुपए पूरे करने हैं तो ऐसे ही होंगे। ये आ गए जी बेस पे, सॉस बढ़िया से फैला ली जा रही है इसके ऊपर। अब ये आ गई जी फर्स्ट आइटम, ऊपर चीज और आ गई ऊपर वेजीज, बेल पेपर्स आ गई जी, बहुत ही बढ़िया। ये आ गई जी फ्रेश अनियंस। ये पहली जो अपनी आइटम है ना पिज्जा, वो तैयार हो रही है, और मुझे तो भाई यही देख के लग रहा है किसी हद तक तो मेरे पैसे यही पूरे हो चुके हैं। अब ये आ गए जी ऑलिव्स, ये जी तंदूरी पनीर भी आ गया ऊपर भर भर के, और अनलिमिटेड पिज्जा, तो भाई एक खाओ, दो, चार, जितने मर्जी पिज्जे खा दो। वाह यार, ये अब आ गई फाइनल टॉपिंग, चीज की बारिश पिज्जा के ऊपर। जब तक ये तैयार होता है हम बढ़ते हैं आगे भाई पिज्जा ओवन के अंदर। सर अब नेक्स्ट क्या खिला रहे हो आप? अब बर्गर बनाते हैं जी, आ जाइए बर्गर शुरू करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जी बर्गर, ये देखो लगातार एक आइटम अपनी गई है जी ओवन में रेडी होने। अब सेकंड आइटम हो रही है यहाँ पे तैयार, ये बन आ गया जी बर्गर का। बर्गर का बन हम ग्रिल करेंगे। अच्छा, तो एक ग्रिल होगा जी बर्गर पहले, तो बढ़िया से ग्रिल होके बर्गर आ गया जी यहाँ पर, और ये लग रही है ऊपर सॉस। हुआ भाई, मैं ये देख के रानू कि ऐसा ऑफर मेरे शहर में क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हमारे शहर में होता तो जो हमारे भाई हैं जो खाने के शौकीन हैं वो तो काफ़ी लूट लेते भाई इस ऑफर को। बढ़िया से ककुम्बर्स आ गए, टमेटोस, ये क्या आ रहा सर अभी ऊपर? चिपोटले सॉस। और भाई बर्गर की पास से लुक चेक करो, अभी तक की बड़े बड़े ब्रांड्स के बाहर मेन्यूज में लिखा होता है ना बर्गर, दिखाया जाता है वैसा बर्गर है। वाह यार, ये देखो, ये आ गई ऊपर टिक्की, क्या बात है। ये आ गया जी चीज स्लाइस, और बर्गर की भाई फाइनल लुक चेक करो, क्या कमाल निकल के आई है। सर ये वैसे बर्गर कितने का देते हो आप मेन्यू में? ये बर्गर 110 रुपए का है सर मेन्यू में। 110 का? हाँ जी, हाँ जी। तो भाई 380 का पिज्जा और ये 110 का बर्गर, पैसे तो हो गए जी अभी तक पूरे। और बाकी नेक्स्ट क्या खिला रहे हो सर? पास्ता खिलाते हैं सर इसके बाद। पास्ता? तो विकास सर यार शेफ है एक, उन्होंने अभी बताया तो मैंने उनको बोला सर आप ही बना के दिखाइए। सर आपको कितनी देर का एक्सपीरियंस है? 25 साल इंडस्ट्री में काम किया है। तो 25 साल इंडस्ट्री में आपने काम करके अपना रेस्टोरेंट खोला है? बिल्कुल सर। और जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें से आप लोगों को फायदा दे रहे हो? बिल्कुल फायदा दे रहे हैं। अभी आगे ढेर सारी वेजीज, ये कौन सा पास्ता बन रहा है सर? व्हाइट सॉस बेस्ड पास्ता, तो हम डालेंगे इसमें थोड़ा दूध। भाई व्हाइट सॉस पास्ता तो दूध और क्रीम ये सब तो आएगा ही, थोड़ी सी मोजरेला चीज है इसमें, आगे थोड़ी सी मोजरेला। भाई ये लुक चेक करो क्या आ रही है, अभी पास्ता इसमें ऐड होना, पर जो बेस तैयार हुआ है बहुत ही कमाल का, और एक प्रोफेशनल शेफ बना के दे रहे हैं हमें। सर आपने इतना फैंसी रेस्टोरेंट बनाया, हाँ जी, हाँ तो जी। उसमें आपने कैसे सोचा कि 400 में सारा कुछ अनलिमिटेड रखना है? लोग देते हुए करते नहीं ये चीज़। रेस्टोरेंट ओपन किया था तो हमको लगा था कि लोग एक आइटम खाते हैं चले जाते हैं, हमने ऐसा कुछ ऑफर चालू करो लोग कई चीजें चालू करे, ग्रुप में आए एंजॉय करे, तो हमने फिर एक चालू किया मिक्सअप ऑफर फिक्स मेनू सिस्टम, जहाँ पे आप एक फिक्स मेनू आइटम दो और 5 से 7 आइटम, 10 आइटम, 20 आइटम आप ट्राई करो, उससे बेनिफिट क्या होता है, मैक्सिमम आइटम हमारे मेनू का ट्राई करोगे। रही सर हमारा पास्ता रेडी हो गया, हमारी सॉस पास्ता हो गया जी तैयार।
और जो लुक आई है बहुत ही बेहतरीन पास्ता की। और पास्ता का प्राइस क्या सर मेन्यू में? वैसे 220 रुपए है सर वेज का। 220 रुपए का भाई ये पास्ता, पर ये भी मिलेगा आपको अनलिमिटेड। पिज्जा भी हो गया, बर्गर भी हो गया, पास्ता भी हो गया, अब क्या खिला रहे हो? अब रैप खिला रहे हैं सर, हमारा रैप खिला रहे हैं। हनी सिंह वाला रैप? हनी सिंह वाला नहीं, खाने वाला रैप। तो भैया बना रहे थे सामने रैप, सेम वैसे ही बढ़िया सा रैप आ गया, उसके ऊपर आ रही है सॉस। भाई है ना, मेरे जो बर्थडे की पार्टी नहीं दे रहे थे कि भाई बजट टाइट है, अभी घर वालों ने पैसे नहीं दिए, अभी सैलरी नहीं आई, भाई उनके लिए खुला ऑफर है कि यहाँ आओ, कम बजट में ना फैंसी पार्टी होगी। और ये आ गया जी ऊपर बढ़िया से लेटस। ये गोलियाँ कौन सी सर? पनीर की गोलियाँ भाई, पनीर फिंगर्स हैं ये। यहाँ से देखो रैप, वाह, अभी जाएगा सीधा ग्रिलर में है ना सर। भाई मैंने लगवाई हैं अपनी चार फेवरेट आइटम्स जो मैं खाता हूँ, जो आपको बहुत बार दिखाई है, आपको भी बहुत पसंद है मुझे पता है। तो मुझे पता था मेरी फैमिली जो देखेगी वही लगवाया। 400 रुपये में अंदर ना, मैं तो भी स्पेस देख के हैरान हूँ, इतना बढ़िया एम्बियंस। और ये देखो, मतलब वो होता ना प्यार मोहब्बत वाला माहौल, वैसा माहौल है। क्या पाओ, मेन्यू पढ़ा मैंने, एक बार फिर भी आपको दिखाता हूँ पास से। ये देखो, रैप, फ्राइज, पिज्ज़ा, बर्गर, 50 आइटम। बोलने में कह देता बंदा 50 आइटम, पर 50 आइटम्स अनलिमिटेड। दिल सो रहा कि ये हमारे शहर में क्यों नहीं है। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, पैसे कम है वसूलने तो हम पहुंच ही जाएंगे। तो पहली आइटम आओ, ये देखो कब से पिज़्ज़ा पड़ा भाई, हम फोटोज ले रहे हैं। और ये देखो एकदम बढ़िया पिज्ज़ा, थिन क्रस्ट पिज्ज़ा, बढ़िया पनीर डाला हुआ, तंदूरी पनीर बोला उन्होंने डाला हुआ है। और ये यदि पास्ता, ये चेक करो भैया, चीज़ पास्ता एकदम ज्वाला के जैसे ना, जैसे होता ना वॉल्केनो, ऊपर ऊपर से ठंडा, अंदर से देखो भाई, ओहो गर्मा गर्म पास्ता। अब इतना गर्मा गर्म है तो इसको वापस क्यों रखना भाई, प्रॉपर चीज़ी पास्ता, वो मेयो वेयो डाल के ना, मीठा नहीं किया हुआ, बढ़िया चीज़ डाल के अच्छे से ना, मलाई जैसा किया हुआ, कमाल का भैया। देखो जैसा बड़े बड़े ब्रांड्स के मेन्यू में बर्गर होता है, असल में जाओ भाजी वैसा ऐसा होता नहीं ना, वो पतला सा देते हैं जी, पिलपिला सा करके। पर ये देखो अभी मोटा बर्गर है, ये बोल रहा है लाइक सब्सक्राइब, दोनों चीज़ें करो, क्योंकि बर्गर भी कमाल है और इसकी बाइट तो ले लेते भाई साथ साथ। ये देखो एक बार अंदर क्या बढ़िया चीज़ भरा हुआ अंदर। मेन एक जो मेरे को चीज़ बढ़िया लगी ना, यहाँ पे बफे में भी हम जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है भाई, ये 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 ऐसे सब्जियाँ पड़ी हैं, वही खानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या भाई पड़ा आपके सामने, कुछ नहीं है, मेन्यू पड़ा है, एक अपना मन करता है बर्गर, भाई मेरे को पनीर खाना है पनीर मंगाओ, मैक्सिकन खाना मैक्सिकन मंगाओ, जो मंगाना भाई वो खाओ। यो वाला रैप नहीं, ये खाने वाला रैप। और बढ़िया है देखो पनीर, पनीर वनीर डला हुआ है, ये भी है अनलिमिटेड, बढ़िया अंदर से ना जूसी रैप है, कमाल का फ्लेवर आया। जो स्टार्ट में भाई निकाला था पिज़्ज़ा वो तो देखें, ये अलीबाबा के 40 स्टोर वाली गुफा है, अंदर आओगे ना भाई खजाना है इतना ना, समझ नहीं आता बंदे को क्या क्या लेके जाए, वही हिसाब है। अब इतना सारा खाना है, कन्फ्यूज हो जाओ कि भाई क्या क्या खाऊं। तो मेन्यू में जो जो आपको फेवरेट आइटम है वो मंगवाओ, टेबल पे लगवाओ, मजे से खाओ। जो दोस्त आपके पार्टी में ना दे थे उनको बता दो भाई एक बढ़िया सी जगह निकाली है, 400 रुपए में ना हमें पार्टी दे दे, 10 दोस्त आओ, मजे से खाओ, और मेन्यू में कुछ भी मंगवाओ, आपस में शेयर करते रहना, मजे से खाना। तो भाई लोकेशन समझ लो, वैलेरियो रेस्टोरेंट का नाम है, जो जलंधर का बढ़िया गेड़ी रूट है ना, मॉडल टाउन, वहाँ पे है, एक्सिस बैंक के बिल्कुल सामने।